होशियार चंद के एक बेटी रहती है जिसका नाम रोमियो रहता है। होशियार चंद बहुत होशियार रहता है। उसकी बेटी देखते ही देखती बड़ी हो जाती है। फिर एक राम नाम के लड़के अमीर लड़के से शादी कर देता है। जा बेटी, मैंने तेरी शादी गांव के सबसे अमीर घर में की है, तो हमेशा तुझे खुश रखेगा। उसके पास बहुत पैसा है। बेटी, मैं तो इतना जानती हूँ कि राम एक बहुत अच्छा और सुलझा लड़का है, बस पैसा तो आता जाता रहता है। फिर शादी के बाद रेमो और राम अपने घर आते हैं। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है जी। रोमी, घर तो घर की लक्ष्मी से बनता है और मेरे घर की लक्ष्मी तुम हो। कुछ दिनों के बाद राम के खेतों में घाटा लग जाता है। राम अमीर से बहुत गरीब हो जाता है। राम और रोमियो एक छोटा सा घर में भाड़े में रहते थे। उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी रहता है। दोनों स्कूल से घर लेके आ रहे होते हैं। बच्चों, तुम घर जाओ, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पापा से बात करके। ठीक है माँ, क्या मामा करते रहते हो? मुझे मॉम ही बोला करो, अमीरों की तरह, समझे? कितनी बार तुम्हें समझाया है, चलो जाओ अब। क्या हुआ पत्नी जी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? वारी किस्मत, ये क्या खेल दिखाया तूने? इस शादी से घर में तो मेरा दम घुटता है। पता नहीं कब पैसा आएगा हमारे पास। देखो ना जी, ना हमारे पास एसी है, ना बच्चों को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में डालने के पैसे। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, जरूरत का सब तो है हमारे पास, जिंदगी ठीक ही गुजर रही है। रहने दो जी, तुम्हें तो पैसा कमाना आता ही नहीं। उन लोगों की बातें एक पेड़ पे बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। चुड़ैल तो मैं हूँ, लेकिन इस लड़की की हरकतें बिल्कुल चुड़ैल जैसी ही है। ये मेरे प्यारे से राम को कितना सुना रही है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे रोमी, जितना है मैं तो उतने में खुश हूँ, तुम क्यों दुखी होती हो? समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहे, वैसे ही बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। गुजारा करना ही काफी नहीं होता? ना ही घर में अच्छा फर्नीचर है, ना ही अच्छा घर, ना गाड़ी है, ना कहीं घूमने जा सकते हैं, ना अच्छे जेवर है। हर महीने वो घर का मालिक आ जाता है किराया मांगने। ये भी कोई जिंदगी है? हम तुम साथ हैं, ये कम थोड़ी है। चलो अब घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ काम पर। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं। ये कैसी औरत मिली है, इतना अच्छा और ईमानदार पति मिला है इस रोमी को, तो सिर्फ पैसा और ऐशो आराम ही चाहिए। अगले दिन राम खेतों पर काम करने के लिए निकलता है। अरे राम तो खेतों की तरफ ही जा रहा है। चुड़ैल राम के सामने जाती है। राम रुको। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। चुड़ैल, अरे मर गया रे चुड़ैल। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी बीवी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें रोज यहाँ आते जाते देखती हूँ। क्या बकवास कर रही हो, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ माना कि वो पैसों को ज्यादा जरूरी समझती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। इतना बोलकर राम वहाँ से चला जाता है। राम, तुम बचपन से ही इतने भोले क्यों हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। चुड़ैल औरत का रूप लेकर रोमियो से मिलती है। रोमी जी, मुझे आपसे बात करनी है। जी कहिए। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। देखो, मैं परेशान हूँ या नहीं उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम काम बताओ जिसके लिए तुमने मुझे रोका है। हाँ आई तो काम से ही हूँ, क्यों झूठ बोलूँ? मैं आपके पति से बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी उनसे शादी करवा दो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की, वो भी मेरे से, और उनके दो बच्चे भी हैं, तुम्हें पता नहीं क्या? तूने दोबारा ऐसा बोला तो मैं तेरी जुबान काट दूंगी, समझी? मना करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अगर तुम अपने पति से मेरी शादी करवाओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। क्या बकवास है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। सोच लो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी, लेकिन पैसे खत्म नहीं होंगे।
गाड़ी, बंगला, हीरो का हाथ, सब कुछ जो तुम मांगोगी वो दूंगी। बस तुम ही हो जो अपने पति को मुझसे शादी करवाने के लिए मना सकती हो। चुड़ैल रोमियो को एक बैग देती है, देखकर खुश हो जाती है। तुम्हें विश्वास नहीं तो ये लो बैग, ये हीरो और सोने के जेवरों से भरा हुआ है। देख लो, तुम अपने बच्चों को और पति को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हो। रोमी जैसे बैग खोलकर देखती है उसकी आँख फटी की ही फटी रह जाती है। हीरो और चांदी सोनों से भरी रहती है। दया रे दया, इतना सोना, हीरे तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, लेकिन ये नकली तो नहीं है। चुड़ैल उसे और एक बैग देती है। ठीक है, ये ले लो एक और बैग। रोमी उस बैग को ले लेती है, पैसों से बैग भरा होता है। अरे ये तो असली पैसे हैं। लेकिन तुम हो कौन? तुम आम खाओ, गुठलियों के दाम मत पूछो। तुम अपने पति से मेरी शादी करवा दो, तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे तुम्हारा पति। रोमियो कुछ समझ में नहीं आता, राम से बहुत प्यार करती है, जिंदगी सुधारने के लिए पैसे भी जरूरत पड़ता। क्या हुआ, क्या सोचा तुमने? मैं घर जा रही हूँ, ये बैग तुम ले लो। नहीं, ये तुम रखो और मुझे कल सोच कर बताना, मैं तुम्हें कल खेतों में मिलूंगी। रोमी घर चली जाती, रात भर सो नहीं पाती, फिर सुबह राम से बात करती। राम, तुम मेरी एक बात मानोगे? एक क्यों, तुम जो कहोगी वो मानूंगा। तुम दूसरी शादी कर लो। क्या, आज सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ मजाक के लिए? देख लो, तुम्हारी सौतन आएगी तो मेरा प्यार बट जाएगा। हाँ वो तो है, पर कोई बात नहीं, हम सबके सुख के लिए मैं तुम्हारी दूसरी शादी करने को तैयार हूँ, आज ही शादी कर लो। दूसरी ओर चुड़ैल रूमी का इंतजार कर रही होती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं ये रूमी कब आएगी। मैं ही इसके घर चली जाती हूँ, इस बार मैं राम को नहीं छोड़ने वाली। बचपन का प्यार है मेरा राम, पहले भी राम ने मुझसे शादी नहीं की और मैंने आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या फायदा हुआ, आज भी मैं राम के लिए तड़प रही हूँ। अब राम मिलेगा मुझे तभी सुकून मिलेगा। चुड़ैल रीमा के रूप लेकर राम के घर जाती है। राम और उसकी पत्नी दोनों शादी के बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ चुड़ैल पहुँच जाती है। रीमा तुम यहाँ? चलो अच्छा है तुम ही आ गई। देखो जी, ये है रीमा, बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पैसे भी दे रही है, हमारा जीवन सुधर जाएगा, आप इससे शादी कर लो। अब समझा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, मेरे लिए परिवार जरूरी है, पैसा नहीं। मुझे अब तक लग रहा था कि तुम मजाक कर रही हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही जी। कितनी देर में होशियार चंद और उनकी पत्नी साथ आती। अरे वाह, इतना पैसा लाई है तो दामाद जी शादी कर लो, दोनों बहनों की तरह रहेंगी साथ में। ये क्या कह रहे हैं जी आप, पैसा सब नहीं होता। रोमियो अपने जीत पे अड़ी रहती है, नहीं मानने पे जहर पीने लगती है। देखो जी, अगर आपने इससे अभी शादी नहीं की तो मैं ये जहर पी जाऊंगी। अरे रोमी नहीं, ये क्या कह रही हो तुम बहुत पछताओगी मेरी दूसरी शादी करवा के। अरे लड़की, तूने मेरी बीवी को ये क्या लालच दे दिया है, तुझे कल मना किया था ना शादी के लिए, फिर क्यों आ गई यहाँ? रीमा से कुछ मत कहो, ये मेरा फैसला है, आप हाँ कहते हो या मैं जहर पी जाऊं। रोमी के आगे राम के एक नहीं चलती है और राम को चुड़ैल से शादी करनी पड़ती है, आलीशान बंगला गाड़ी हर कुछ चुड़ैल देती है। देखा राम जी, हमारे तो दिन ही बदल गए। ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखो जी, और ये मेरी बनारसी चमचमाती साड़ी देखो, और ये जेवर। रीमा बहुत खुश होती है सब धन दौलत देखकर, उसको मालूम नहीं होता कि अपने पति का शादी एक चुड़ैल से करा दी है। उधर चुड़ैल मन ही मन में खुश रहती है। मैंने जो चाहा वो मुझे आज मिल ही गया। राम जल्दी आओ, मैं अपनी सुहागरात के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
राम चुड़ैल का असली रूप देख लेता है और उसकी पत्नी भी देख लेती है। दोनों रोते हैं, गाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। राम चुड़ैल के पास नहीं आता है। चुड़ैल पागल जैसी हो जाती है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।